प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। आओ संत महात्माओं, संसार में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े धनवान आए, लेकिन जिसने मनमत को अपना लिया वो भवसागर में डूब गया। वो ऐसा डूबा कि वो पार ही नहीं हो पाया। आओ संत महात्माओं, क्योंकि मन की रफ्तार तो एरोप्लेन से भी ज़्यादा तेज बता दी, यानी हवा से भी ज़्यादा तेज बता दी। तो संत महात्माओं, यदि मन के कहने से इंसान चलता है तो उसे डूबना ही डूबना है, उसे 84 में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मन में वो ऐसे ऐसे सूक्ष्म विचार आते हैं कि मन अपने आप को सहंसा मान लेता है, मन अपने आप को सर्वव्यापी मान लेता है, मन अपने आप को इस संसार का कार्यकर्ता मान लेता है। आओ संत महात्माओं, एक तरफ जो गुरु मत को धारण करते हैं वो चमकते हुए सितारे के समान इस संसार में छा जाते हैं। जैसे कि भक्त हनुमान ने गुरु मत को धारण किया, जितना भी बड़ा काम कर दिया लेकिन उसका जो है सिला, उसका जो श्रेय वो जो दिया भगवान राम को दिया। आओ संत महात्माओं, तो इस प्रकार से जो गुरु को तवज्जो देते हैं, गुरु उनका जीवन में नाम अजर और अमर कर देता है, गुरु उन्हें भव से पार कर देता है। आओ संत महात्माओं, ऐसे ऐसे गुरु भक्त, ऐसे ऐसे शिष्य, ऐसे ऐसे जो गुरु को धारण करने वाले, जैसे भिलनी, भिलनी के गुरु, जो भिलनी से जो मतंग ऋषि थे वो कह गए थे, बेटी यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास है तो एक दिन जो समय का अवतारी होगा वो तेरी कुटिया पे आन करके स्वयं तुझे दर्शन देगा। हे भिलनी, यदि तुझे गुरु की बात पे विश्वास है तो आप यहीं पे उनका इंतजार करना, एक दिन समय का अवतारी पुरुष आपको दर्शन जरूर देगा। आओ संत महात्माओं, ये होती है गुरु पे विश्वास करने वाली बात। और भिलनी ने अपने गुरु के वचनों का पालन कर लिया, गांठ से बांध लिया, रोज झाड़ू से फुआड़ती थी, रास्ता साफ करती थी, कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए या यदि इधर से आए तो कांटा ना लग जाए, चारों तरफ साफ सफाई रखती थी कि भिलनी सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, अरे मेरा भी तो जन्म सवालेंगे राम जी। आओ संत महात्माओं, जीवन में सतगुरु आया, और जब जीवन में सतगुरु आया तो एक दिन भगवान राम ने माँ सीता लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए। क्या हम अपने गुरु के वचनों का पालन कर पाते हैं? क्या हम सत्य पर चल पाते हैं? क्या हम वचनों का पालन कर पाते हैं? क्या हम नौ माया, दसवां ब्रह्म, पांच प्रण, इनको मान करके जीवन में उतारते हैं या नहीं? कि गफलत में सोने वाले मंजिल तेरी किधर है, क्या तुझको कुछ खबर है कि मंजिल तेरी किधर है? आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु की कृपा से ये मंजिल हमें मिली है, आज हमें गफलत की नींद को त्यागना होगा, आज हमें काम क्रोध की अग्नि को इसे यहीं के यहीं छोड़ना होगा, आज हमें गुरु के पद चिन्हों पर चलना होगा। यदि वास्तव में भवसागर से तरना चाहते हैं तो जैसे केवड़ तर गया भगवान राम के चरणामृत के द्वारा, आज सतगुरु की कृपा से आज चरणामृत की भी बख्शिश की जा रही है, आज निरंकारी रूपी ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी, आज हमारा जीवन सुहेला हो गया। कह सकते हैं, संत महात्मा कहते हैं जीवन जीते जी मोक्ष की प्राप्ति है। जी हाँ संत महात्माओं, जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसके जीवन में सतगुरु आ गए, जिसके जीवन में सत्संग आ गई, जिसके जीवन में संत आ गए, तो उनका जीवन सरल सुहेला बन गया। बट बात वही है कि यदि हम गुरु मत पे चल पाए तो लंका में रहते हुए भी विभीषण का कल्याण हो गया, और रावण, आपने देखा रावण हर साल धिक्कार का पात्र, हर साल जलाया जाता है। राम और रावण की राशि एक थी, रावण को हर साल जलाया जाता है और राम की पूजा होती है। आओ संत महात्माओं, तो कारण है कर्मों की गति, कर्मों ऐसे कर्म करें कि डेडिकेशन के साथ सतगुरु को समर्पण करते हुए, तो वास्तव में सतगुरु की कृपा से हमारे जीवन में परम सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी,
और दया दृष्टि इस परमात्मा की हमारे ऊपर बरसेगी। यदि हमारा ऐसा विश्वास है जैसे भिल्ली ने विश्वास किया अपने गुरु पे, तो उसका कल्याण हो गया। ऐसे ही यदि हम सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाएंगे तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होगा सतगुरु की कृपा से। हमारा जीवन फूलों के समान चमकेगा सतगुरु की कृपा से। दुख सुख ये तो आनी जानी छाया है, इनके पर मत डिपेंड रहिए, इनसे ऊपर उठ जाइए और इस निरंकार के एहसास में मस्ती में जीते हुए सतगुरु का गुणगान करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएंगे तो वास्तव में परम सुकून, परम गति, परम धाम की प्राप्ति होगी। आओ संत महात्माओं।